जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि आजा में एक ऐसी जगह पर मौजूद है ब्रजमेशी का सबसे बड़ा कस्बा कहलाया जाता है लावा। और लावा में एक और बहुत ही नामवर और मशहूर शख्सियत बाबा पीर शाह शाह साहब, जैसे कि मैंने आपको बात बताया था कि हम आज उनके रोज़े पर मौजूद हैं, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को दिखाता चलूँ। बाबा पीर शाह शाह अपनी सारी उम्र उनके मुरीदों का ये कहना है और यहाँ के रहायशी लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपनी सारी उम्र खामोशी में गुजारी और जब गए तो सबको रोता छोड़ दें। व्यूअर्स, मज़े की बात आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जहाँ पर शक्कर और दो मुहर्रम हो, यहाँ पर उर्स होता है मुहर्रम का, तो यहाँ पर बड़ी रौनकें होती हैं। लेकिन आज हम जिस मौके पर आए हैं तो यहाँ पर मतलब कम ही लोग हैं और हम यही चाहते थे कि यहाँ पर कम लोग हों। तो यहाँ के बहुत सारे जो आवामी लोग हैं, जहाँ पे मतलब मकामी लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे इलाके पर जो करम है वो अल्लाह की साथ का है और फिर बाबा पीर शाह साहब का। हमारे साथ एक हमारे यहाँ के बंदे खड़े हैं, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम सर, क्या ठीक है? अच्छा, तो जनाब आप हमें थोड़ा सा मतलब इनके बारे में बता सकते हैं? बताना तो बड़ा मुश्किल की बात है, समझ भी इसके बात गुजार है इस बात में मानना सही। हाँ, तो मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में देखा था ना? कई बार जी। अच्छा, काफ़ी बड़ी और किसी तरह का बीमार नहीं है। अच्छा, जिसके जिससे पूछे यही कहता है कि मुझ पर मेहरबान है, मुझ पर मेहरबान है, मुझ पर। तो आपका नाम क्या है? आप यहीं पर जी सरकार की खिदमत में। अच्छा, आप सरकार की खिदमत में। कितनी उम्र से आप यहाँ पर? 1992 से। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जनाब 1992 से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये इनकी खिदमत में, बाबा पीर शाह साहब की खिदमत में यहाँ पर होते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और व्यूअर्स, हम आपको अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, तो हमारे साथ चलिए।